अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 155। अच्छा जी, सेक्शन 155 जो है पिछले एक साल से ये होता ये था कि ये जैसे एज पर सैलरी टैक्स था जो यानी कि विदहोल्डिंग हो गई वही चार्जेबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट कर लिया जाता था, यानी कि सेक्शन 155 के ऊपर जो विदहोल्डिंग रेट थे वही हम यानी कि क्लाइंट क्या करता था अपना टैक्स जमा करा के, और जब ड्यूरिंग द ईयर वो अपना रिटर्न फाइल करता था जो भी जिसके भी यानी कि प्रॉपर्टी होती थी जो रेंटल इनकम ले रहा था वो क्या करता था उससे यानी कि क्लाइंट सामने उसका टैक्स जमा करवा देता था, वही उसको अपने फाइनल टैक्स के अंदर जाके जब यानी कि अपना रिटर्न फाइल करता था उसको जाके क्लेम कर लेता था। तो दोनों चीजें सेम थी, चार्जेबिलिटी और विदहोल्डिंग। लेकिन एक साल हो गया कि इसके ऊपर जो रेट इंप्लीमेंट अब होते हैं वो इंडिविजुअल जो बिजनेस रेट हैं एओपी के और इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन के वो रेट इंप्लीमेंट होते हैं। उसमें क्या है कि 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 4 लाख के ऊपर जो है इनकम को ट्रीट किया जाता है इनकी, तो उसके ऊपर वैल्यूज लगती हैं। अच्छा, फर्ज करें कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एनुअल जो रेंट है जो ले रहे हैं वो समझे 10 लाख है, पूरे साल का जो रेंट लेना था इन्होंने 10 लाख लेने हैं। अच्छा, 10 लाख लेने, और जो क्लाइंट है जो रेंट पे कर रहा है वो क्या करता है कि वो पूरी स्लैब रेट देखता है कि किस स्लैब में ये आते हैं। अब 10 लाख पूरे साल का इसका रेंट है, वो क्या करता है 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है और बाकी जो वैल्यू 6 लाख पर 4 लाख के ऊपर वो एक 10% डिडक्ट करता है और फिक्स टैक्स जो है 15,000 रुपए ये मिलाकर टोटल 55,000 का टैक्स जमा करा देता है इसके पूरे साल के अंदर, और CPR किसको लैंडलॉर्ड को दे देता है। ठीक है, वो जब अपना रिटर्न फाइल करने के लिए जाता है प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना रिटर्न उसकी इनकम कहीं है नहीं, वो किसी से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और ये डिक्लेयर करते हैं ये केस ले लें। ठीक है, अच्छा वो जब अपना रिटर्न फाइल करना के लिए जाता है एनुअल रिटर्न अपना फाइल करता है प्रॉपर्टीज का, वो क्या कहता है कि मेरी रेंटल इनकम 10 लाख है, 1/5 जो है अलाउ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, तो ये 2 लाख बनता है। अब फर्ज करें कि प्रॉपर्टी टैक्स भी है तो 50,000 प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर दें, इंश्योरेंस प्रीमियम या 10,000 वो माइनस कर दें। अब फर्ज करें कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें मार्कअप पे लिया हुआ है, हो भी सकता है ये एक प्रॉपर्टी ना हो दो हो जो रेंट पे दी हो। ठीक है, तो कि एक प्रॉपर्टी में वो मार्कअप भी दे रहा है तो जहां से पूरा रेंट आ रहा है दोनों जगह एक ही शख्स को दी हुई है, फर्ज कर लें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पूरी। ठीक है, तो मार्कअप भी हम पे कर रहे हैं, हमने लीज वीज करवाई हुई है कोई जगह उसके ऊपर जो मार्कअप है वो दे रहे हैं हम, तो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है हमारे पास वो 6,90,000 आ रहा है। अब इस ये जो 6,90,000 है ना, ये 6,90,000 यानी कि 690 के ऊपर जो है जो टैक्स रेट अप्लाई होगा वो बिजनेस इंडिविजुअल का होगा, एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल का होगा जिसमें 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 4 लाख के बाद जो है इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है टैक्स रेट की। अगर मैं आपको दिखा दूं कि 6,90,000 की समझे हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, फर्ज कर लें कि जैसे 4 लाख होता है, अगर 4 लाख भी कर लें, फर्ज कर लें किसी एग्जाम्पल को ले लें, ठीक है, रेट चेक कर लेंगे, टैक्सेबल जो वैल्यू है वो 90,000 बचती है एग्जाम के बाद। ठीक है, तो क्या किया कि टैक्सेबल वैल्यू के 90,000 के ऊपर जो 10% बनता है वो 9,000 बनता है और जो फिक्स टैक्स है जो इसके ऊपर फिक्स है जो देना ही देना है वो 10,000, तो टोटल मिला के इनका जो टैक्स बिल जो टैक्स चार्जेबिलिटी बन रही है यहाँ पे IRS के ऊपर जो चार्जेबिलिटी बना रहा है वो टोटल 19,000 की बना रहा है। ठीक है, जो क्लाइंट ने देना है और एज पर अगर विद होल्डिंग देखें तो 55,000 रुपये कटा हुआ है, यानी कि 55,000 रुपये डिडक्ट हुआ है। तो होता क्या है कि 19,000 से माइनस कर दें 55,000 तो रिफंडेबल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36,000। अच्छा, इसमें होता क्या है, सेक्शन जो ये है अपना सेक्शन 155 इसमें तकरीबन 17% जो है ज्यादातर रिफंड की वैल्यूज आती है। उसकी वजह क्या है कि जब कैलकुलेशन चलती है पूरे हम चार्जेबिलिटी के ऊपर आके IRS के ऊपर जब कैलकुलेट करते हैं चीजों को माइनस करते हैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह को लेस करते हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड हुए होते हैं, तो उसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें जो मार्जिन हमारा बच रहा होता है उसके ऊपर हमारे टैक्स इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर हम रेट देख लें, ये देखें ईयर रेट है, ये मेरे ख्याल टैक्स ईयर 22 के हैं। ठीक है, फॉर नॉन सैलरीज इंडिविजुअल, अब ये क्या कह रहा है 4 लाख से लेके 6 लाख तक अगर ले रहे हैं तो 5% है, इसके अलावा 6 लाख से 12 लाख 10% है। ठीक है, 10,000 देना है तो इसको हम क्या कर देते हैं थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो, एज पर एक्चुअल हो जाए। ये देखें 4 लाख कर दिया मैंने। ठीक है, कितना बच गया 2,90,000, 2,90,000 के ऊपर टैक्स वैल्यू कितनी बनी 10% लगाया तो कितनी आ गई 29,000 ये,
और फिक्स टैक्स कितना हो गया 10,000। कहाँ दिखाया मैंने आपको, ये देखें 12 लाख से लेके 24 लाख तक, सॉरी 6 लाख से लेके 12 लाख तक, 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 6 लाख से ऊपर होगा उसके ऊपर 10%, और फिक्स टैक्स कितना देना है 10,000 रुपये। इधर आ जाए ये देखें टोटल टैक्स कितना बन गया 39,000, टैक्स डिडक्ट कितना हुआ था विद होल्डिंग पे 55,000, रिफंडेबल कितना निकला 16,000। तो इससे क्या समझ आया कि सेक्शन 155 के तहत भी जो विदहोल्डिंग और चार्जेबिलिटी सेम नहीं है, ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन अलग है, इसकी भी कैलकुलेशन अलग है। एक साल पहले ये होता था जो टैक्स ये डिडक्ट हो जाता था, जो विदहोल्डिंग पर टैक्स डिडक्ट होता था एज पर एनुअल रिटर्न चार्जेबिलिटी जो कैलकुलेट होती थी पिछले एक साल की बात कर रहा हूँ वो सेम होती थी, तो वही रिटर्न फाइनल होता था। अब एक तकरीबन एक साल हो गया, अब ऐसा नहीं होता, अब नॉर्मल टैक्स रेट इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल टैक्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं इसके ऊपर। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर लें तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स फाइनल टैक्स है जो डिडक्ट हो गया वही चार्जेबिलिटी के ऊपर बनाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आपकी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।